गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास सिक्स की हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को पाठ दो परीक्षा इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ाएंगे। लास्ट पैराग्राफ ध्यान से देखिए, दिया है संध्या के समय राजा का महल सजाया गया। संध्या के समय राजा का महल सजाया गया। संध्या यानी शाम के समय राजा का महल सजाया गया। राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगे वस्त्रों से सज धज कर दरबार में आ विराजे। राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगे वस्त्रों से सज धज कर दरबार में आ विराजे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा आप लोगों को कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल भी। हृदय वह जो उदार हो आत्मबल वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं उन तक हमारी पहुंच नहीं है मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठीं मगर उन आंखों में सत्कार ना था उन आंखों में ईर्ष्या थी घृणा नफरत थी। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी
कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को भी न सताएगा। ऐसा आदमी गरीबों को भी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है। उसका संकल्प यानी निश्चय दृढ़ है, जो उसके चरित्र को स्थिर रखेगा। जो उसके चरित्र को स्थिर रखेगा, वह चाहे धोखा खा जाए, वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दान और धर्म से कभी न हटेगा। परंतु दान और धर्म से कभी न हटेगा। अब सभी विद्यार्थी से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और एक पेज सुलेख लिखकर दिखाएंगे। थैंक यू बच्चों।